नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। प्रधानमंत्री पीएम मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बार वो ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हैं। ब्रुनेई का नाम लेते ही आप सोच रहे होंगे शायद ये नाम पहले नहीं सुना, तो हाँ आपको बता दें ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरा है। ब्रुनेई ऐसा देश है जो भारत से बहुत अलग है। यहाँ के कानून तालिबान से मिलते जुलते हैं। यहाँ के सुल्तान तानाशाह से कम नहीं है। भारत जहाँ प्रेम का प्रतीक है, तो वहीं ब्रुनेई एक झटके में सजा देने के लिए जाना जाता है। ऐसे में पहली बार पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के न्योते पर ब्रुनेई गए हैं और यहाँ वो दो दिनों तक रहेंगे। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसा देश है ब्रुनेई, कितने तानाशाह हैं यहाँ के सुल्तान और यहाँ कैसे मिलती है रोंगटे खड़े कर देने वाली सजा। इतना ही नहीं, ब्रुनेई से भारत को क्या फायदा मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। चोरी करने पर चोर के काट दिए जाते हैं यहाँ। बलात्कार करने वाले को मिलती है सजाए मौत। समलैंगिक रिश्ते बनाए तो मारे जाते हैं पत्थर। ये कानून है उस देश के जहाँ पीएम मोदी दौरे पर निकले हैं। ब्रुनेई कोई आम देश नहीं, यहाँ की रॉयल फैमिली और कानून की चर्चा दुनिया भर में है। ब्रुनेई एशिया का पहला ऐसा देश है जहाँ शरिया कानून लागू है। यहाँ के सुल्तान जितना अपनी जनता को खुश रखते हैं और उनको तमाम सुख सुविधाएं देते हैं, उतना ही यहाँ का कानून भी सख्त है। 2014 में सुल्तान हाजी हसनल बोलकैया ने देश में शरिया कानून लागू किया था, जिसके बाद से देश में रेप, चोरी, LGBTQ में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर सजा देने का प्रावधान। कई पश्चिमी देशों और संस्थाओं ने शरिया कानून के बाद ब्रुनेई सुल्तान का विरोध भी किया, लेकिन सुल्तान अपने कदम पर अड़े रहे। दरअसल ब्रुनेई का पूरा नाम ब्रुनेई दारुस्सलाम है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जो बोर्नियो द्वीप पर बसा हुआ है। ब्रुनेई कुल 5,765 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना छोटा है कि सिक्किम जैसे कई राज्य भी इससे बड़े हैं। ब्रुनेई में 14वीं शताब्दी से ही राजशाही है। अभी हाजी हसनल बोलकैया ब्रुनेई के सुल्तान है। वो साल 1967 से ही सुल्तान की गद्दी पर है। साल 1984 में जब अंग्रेज यहाँ से गए, तब बोलकैया प्रधानमंत्री भी बन गए। ब्रुनेई भले ही दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में शुमार हो, लेकिन सुल्तान बोलकैया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। साल 1980 तक तो वो दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। फोर्ब्स के मुताबिक बोलकैया के पास 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। सुल्तान की आमदनी का ज्यादा हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की कमाई से आता है। इतना ही नहीं, ब्रुनेई के सुल्तान दुनिया भर में अपनी लैविश लाइफ स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। उन्हें लग्जरी गाड़ियों से लेकर घोड़ों तक का शौक है। उनके अस्तबल में करीब 200 घोड़े हैं। इसके अलावा उनके पास 700 ज्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें 300 फेरारी और करीब 500 रोल्स रॉयल्स हैं। इनकी कीमत $5 अरब से ज्यादा आकी गई है। सुल्तान बोलकैया बोइंग 747 विमान से चलते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस प्राइवेट प्लेन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सुल्तान बोलकैया अपने देश के लोगों को बहुत खुश भी रखते हैं। यहाँ के नागरिकों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाता और उनकी पूरी कमाई पर उन्हीं का हक होता है। ऊपर से सरकार उनके काम को बढ़ाने के लिए कई सुविधाएं भी देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ के कानून की। ब्रुनेई में शरिया कानून के हिसाब से सजा दी जाती है। यहाँ तालिबान और अरब के कुछ देशों जैसे कानून है। चोरी करते हुए पकड़े जाने पर चोर के हाथ काट दिए जाते हैं और रेप की सजा भी यहाँ मौत है। LGBTQ की सजा यहाँ पत्थरों से मारकर मौत है। ब्रुनेई के इन कानूनों को लेकर उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नाराजगी भी दिखती रहती है, लेकिन सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया अपने तानाशाही रवैये से पीछे हटने को राजी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रुनेई से भारत को ऐसा क्या फायदा मिल सकता है कि भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को वहां जाने की जरूरत पड़ गई। इसका जवाब भी हम आपको दे देते हैं। ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ब्रुनेई भले ही छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है। भारत ने ब्रुनेई की हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में तकरीबन $270 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। दोनों देश स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीति के नजरिए से ब्रुनेई भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय ब्रुनेई यात्रा
बेहद खास है, क्योंकि ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इतने सख्त कानूनों वाले देश से क्या भारत के प्रधानमंत्री को भी कोई कानून के मुद्दे पर सुझाव मिल सकता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।